बचकाने लोग बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे बचकाने लोग, उन बचकानों को ये बोलूं बेटा पहले पप्पा से जाके पूछो। क्योंकि तुम लोगों ने उसके सामने सिचुएशन खड़ी कर दिया है कि पुनीत सुपरस्टार को यही काम करना पड़ेगा। दोस्तों, हाल ही में आपने देखा होगा कि एजाज खान को आजाद समाज पार्टी इलेक्शन लड़ने के दौरान 43 वोट्स ही मिले हैं। तो एजाज खान का हर तरफ मजाक उड़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो 43 वोट्स मिले हैं ये भी उनके घर वालों ने ही दिए हैं। जहां लक्ष्य चौधरी इंस्टाग्राम में स्टोरी शेयर करते हुए कैप्शन में लिखे, ही हैज 5.6 मिलियन फॉलोवर्स ऑन इंस्टाग्राम, क्लास मॉनिटर्स को इससे ज्यादा वोट मिल जाते थे। एलविश आदवी एजाज खान को लेकर ट्वीट में एक है, ओजी बोलते। साथ ही एजाज खान की हारने वाली चीज पर अर्श बेनीवाल का भी रिएक्शन आया है, हंसने वाला इमोजी। आप जानते होंगे कि एजाज खान के रोस्ट को लेकर कुछ पहले कंट्रोवर्सी हुई थी हर्ष बेनीवाल और एजाज खान के बीच। तो रिसेंटली एजाज खान भी अपने इलेक्शन में हारने को लेकर इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट की है, जिसमें वो कुछ ये कहे, आप देखिए। सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। देखो, उनकी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हो रहे। भाई जो जीता उसकी न्यूज बनाओ, आप लोगों को ये परवाह है कि एजाज खान को कितने वोट मिले। सब जगह ब्रेकिंग न्यूज, सब जगह ट्रेंडिंग कर रहे हो आप। करो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सोशल वर्कर हूं, हमेशा रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। और देखो, मेरे पास सेहत की दौलत है, इससे बड़ी कोई दौलत नहीं है। जिंदगी में हमेशा जीत जरूरी नहीं होती है, याद रखना। कभी कभी तुम्हारी हार से कोई सच्चा और अच्छा आदमी जीतना मांगता है, ये भी याद रखना। कॉन्ग्रेचुलेशन हारून खान फॉर द विन, अल्लाह ब्लेस यू, अच्छे काम करो। कुछ भचकाने लोग बोल रहे थे, उन भचकानों को ये बोलूं बेटा पहले पप्पा से जाके पूछो किसका क्या रोल है। अभी तुम ना अंडे में हो बेटा, समझेगी नहीं, अभी जर्दी भी नहीं बने हो अंडे के अंदर। हम लोग पूरे के पूरे मुर्गे निकल जाते हैं और डकार भी नहीं लेते, जरा सोच समझ के। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में दोस्तों, हाल ही में पुनीत सुपरस्टार को बहुत बुरी तरह पीट दिया गया था, पर इसके पीछे की वजह किसी को समझ नहीं आई। तो आपको बताते हैं, बेसिकली पुनीत सुपरस्टार को दो बंदे पीट रहे थे, जिसमें एक है प्रदीप दा का और एक इनका फ्रेंड, जिनका एक कहना है कि कुछ टाइम पहले पुनीत सुपरस्टार को 2 लाख रुपए दिए थे इन्होंने एक वीडियो बनाने के लिए, और बस वही वीडियो पुनीत सुपरस्टार ने नहीं बनाया तो बस फिर पुनीत की पिटाई लगाई गई। जो भी वीडियो डलेगी तो सब पहले तो जो भोंकते कुत्ते की तरह ना जो पीछे भोंक भी रहते हैं कि ये इंस्टाग्राम के हम है ही नहीं, ठीक है। ये भाई ने किया, हमारे से गलत किया, इसने ले लिया सबक। तो आप ये बात एक्टिंग कर रहे हैं, बैठते दिखा के कि टट्टी खा रहा, बट हमने इसको पैसे दिए थे 2 महीने पहले वीडियो बनाने, तो ये मना कर दिया मुझे। 1 लाख रुपए वापस भी नहीं दिए, पहले कल पैसे मेरे वापस, ठीक है। माफी मांग, मेरे से गलती हुई है, माफी मांग रहा हूँ भाई, कोई बात नहीं। क्या हो, आगे बोल। माफी मांग रहा हूँ, राजवीर भाई किसने गलत किया है, ये ना गलत। कितने ठगेरे देख रहे हैं, जो हवाबाज बनते हैं, जिस दिन हाथ हाथ चलेगा कोई भी हम अपना निपटेंगे, जो हमारे साथ गलत करेगा। सॉरी मांगना, माफी मांग कर ले भाई, मैं माफी मांगता हूँ। तूने हमारे साथ गलत किया था, गलत किया, पैसे लिए थे, माफी मांग, उठ बैठक करके दो बार सॉरी बोल। सॉरी राजवीर भाई, सॉरी भाई, सॉरी, उठ बैठक करके। और ये वीडियो में देख लो, कोई 10-20 लड़के नहीं है, हम 3 ही है बस, हमारे पैसे दे रहे। और ये यहाँ पे प्रमोशन के लिए आया था, मैं पीछे से आ गया, मैं यही वर्कआउट करता हूँ। तो हाल ही में थाराबाई जोगेंद्र ने पुनीत सुपरस्टार को लेकर रील पोस्ट की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि बंदा सबकी मदद करता है, आज सब उसे गालियां दे रहे हैं और सपोर्ट कोई भी नहीं कर रहा है। आप देखिए, हिंदुस्तान पुनीत सुपरस्टार को पीटने के लिए ढूंढ रहा है, पता है क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने उसके सामने सिचुएशन खड़ी कर दिया है कि पुनीत सुपरस्टार को यही काम करना पड़ेगा। वो नालियों में नहाता है, वो गोबर खाता है, वो कचड़ों में लेटता है, पता है क्यों? ताकि हिंदुस्तान के अंदर जो ये लोग रोड पे सो रहे हैं, जिनका घर नहीं है, जो हाईवे के नीचे रहते हैं, उनका पेट भर सके। अबे एक भी क्रिएटर का नाम बता देना मेरे को इस हिंदुस्तान के अंदर जो गरीब लोगों की मदद करता हो। कम से कम पुनीत सुपरस्टार जो कमा रहा है उसका 90% गरीब लोगों में बांट तो रहे हैं। उस काम को आज तक किसी ने सपोर्ट नहीं किया, वो बस तुम्हारे सामने दिखा रहा है कि वो गंदा पानी पी रहा है, वो ये दिखा रहा है कि वो बर्गर खा रहा है, तुम लोग उसको हेट कर रहे हो, उसको गालियां दे रहे हो। उसकी माँ बीमार रहती है घर पर, उसके घर की जाके सिचुएशन देखना। उस लड़के के पास अब से 5 साल पहले खाने के लिए खाना नहीं हुआ करता था घर के अंदर, उसने वो गरीबी देखी है,
बस आप लोग को हंसा सके और आप लोग के कारण व्यूज आए, डील्स आए, इसलिए वो बंदा ऐसी हरकतें कर रहा है। कोई भी सबूत लाकर दिखा देना मेरे को कि पुनीत सुपरस्टार ने गंदा पानी पिया है, कुछ खाया है। वो बस एक्ट करता है कैमरे के आगे, अच्छे से देखना, आज तक कुछ भी अंदर नहीं गया होगा, वो थूक देता है। क्या गलत क्या गरीब लोगों के साथ। अबे कम से कम इस बंदे को तुम लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम उसको गाली तो मत दो। थारा भाई जोगिंदर खड़ा है पुनीत सुपरस्टार के साथ। एंड रिसेंटली प्रदीप दाका का भी रिप्लाई आया है जोगिंदर को लेकर, जो इंस्टाग्राम रील में कुछ एक है, आप देखिए। ओए जोगिंदर, अगर इतना बड़ा मर्द है ना तो सीधा मेरा नाम ले, तुझे बताता हूँ मैं कौन हूँ। और सुन, जैसे मैंने पुनीत के चाटे मारे हैं वैसे तेरे भी चाटे लगेंगे। लास्ट मौका दे रहा हूँ, सुधर जाओ। तुम सारे यूथ को खराब करने लग रहे हो हैं। आज तक हमारे देश के लिए करा क्या तुमने और अपने आप को स्टार बताते हो। लास्ट चांस दे रहा हूँ, माफी की वीडियो डाल दियो, नहीं तो बख्शूंगा नहीं जो तू मेरा इनडायरेक्टली नाम लेके वीडियो बना रहा है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बात करते हैं अरमान मलिक की, तो उन्हें एक बंदे ने रोस्ट कर दिया। तो अरमान मलिक का कहना है कि इस बंदे ने 2 साल से अरमान मलिक फैमिली पर रोस्ट वीडियो बनाया है और वो भी गाली देने वाले। तो इस चीज पर अरमान मलिक ने एक्शन लिया, जो चीज अभी काफी ज्यादा वायरल हो रही है। तो अरमान मलिक को चाहिए क्या इस चीज को लेकर। आप सुबह से देख रहे होंगे कि भाई हरिद्वार में पहुंचा अरमान मलिक, उसने झगड़ा किया, ये वो एक्स वाई जेड, आपको पता ही नहीं है पूरी बात। मैं बता देता हूँ, जो ये लड़का है ये पिछले 2 साल से भैया गंदी गंदी वीडियो अपलोड करता था, हमारे थंबनेल, हमारी वीडियो, बहुत सारी ऐसी हरकतें कि मैं आपको इधर बता भी नहीं सकता। इसने लास्ट दिन क्या किया, इसने थंबनेल बनाया, उस पर लिख दिया कि अरमान मलिक ने किया अपनी बेटी के लिए। ये पिछले 2 साल से पूरी तरह से हरा, पूरी फैमिली को कर रहा था, मतलब बिना गाली के वीडियो बनाता ही नहीं था। एक होता है हेल्दी रोस्ट, चलो भैया कोई बात नहीं, बहुत सारे लोग बनाते हैं, हम उनको कुछ नहीं बोलते, हमें अप्रिशिएट करते हैं भाई, चलो टैलेंट है। पर ये लड़का पिछले 2 साल से बिना गाली के बात नहीं करता था यूट्यूब पे। अगर आपको यकीन नहीं है, थोड़ी देर बाद मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो देखना, जहाँ पर इसने हर टाइम गाली दी है। हिंदू इसने नहीं छोड़ा, भगवान इसने नहीं छोड़ा, मेरी माता जी ने उन्हें छोड़ी, मेरे बच्चे इसने नहीं छोड़े। तो इंसान क्या करे, एक्शन तो लेगा ना, आज ही तो कल लेगा। पर मैंने एक्शन लिया अपनी बेटी के लिए, क्योंकि ये बहुत बदतमीजी कर रहा था। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।